दक्षिणी कश्मीर के गडोल कुकरनाक के जंगलों में लगातार आज तीसरे रोज भी ऑपरेशन जारी है। मिलिटेंटों को बताया जा रहा है कि चारों तरफ से घेर लिया गया है और 60 घंटे बीत चुके हैं जब से इस ऑपरेशन की शुरुआत यहां गडोल के जंगल के इलाकों में हुई है। ये जो पूरा इलाका है ये काफ़ी घना जंगल है और उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ हैं और इसी के चलते जो है ऑपरेशन में काफ़ी समय भी लग रहा है। लेकिन ऑपरेशन को लीड करने के लिए खुद जो है सेना और पुलिस के आला अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। सेना द्वारा एक तरफ से जो ड्रोन कैमराज के साथ साथ जो भी हाईटेक इक्विपमेंट्स है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ सेना रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल कर रही है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द छुपे हुए आतंकियों को ढूंढ निकालकर उनका खात्मा किया जाए। आसिफ साहब, श्रीनगर, News 24। शहीद मेजर आशीष को अंतिम विदाई दे दी गई है, अंतिम संस्कार किया जा चुका है, लेकिन जो तस्वीरें थी बेहद ही गमगीन थी। पूरा देश उस सादत को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा इस तरीके की बातें कर रहा है, जिस तरीके से परिवार का साफ तौर पर कहना है। 2 महीने पहले जब आया था वो यही सपना संजो के गया था कि वो जल्द वापसी करेगा नए घर में रहने को अपने परिवार के साथ, और जो ऑपरेशन के दौरान जहां उन्हें घेर कर आतंकियों ने हमला किया, जहां वो शहीद हुए और उसके बाद जिस तरीके से उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गाँव बिंजोल में लेके आया गया, यहाँ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहाँ परिवार की तमाम जो रिश्तेदार थे या अन्य लोग थे उनका साफ तौर पर कहना था कि जो मेजर आशीष हैं बेहद ही बहादुर थे, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा उनको ब्रेवरी अवार्ड 15 अगस्त को दिया गया था, जिसके बाद से ये कहा जा रहा था कि वो ऊंचाइयों पे उड़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे, और फिलहाल कहा जा सकता है कि वो अंतिम यात्रा पर निकल पड़े, यानी उनका अंतिम संस्कार किया जा चुका है। लेकिन फिलहाल परिवार अभी भी सदमे में, अभी भी उस गम को नहीं भुला पा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे, ये भी नहीं मालूम था कि ऐसा होगा, लेकिन फिलहाल अंतिम संस्कार उनका किया जा चुचुका है। कैमसान उमेश के साथ राहुल प्रकाश, News 24, पानीपत। शहीदों की जगहों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, बदल पर मिलने वालों का यही बाकी दिशा होगा, क्योंकि मनप्रीत ने जिस तरह से आतंकियों के साथ अनंतनाग में लोहा लिया और वो शहीद हो गए, लेकिन आज वो पंचतत्व में भी बलीन हो चुके हैं, क्योंकि आज मोहाली के इस मैदान में हजारों की तादाद में उनको चाहने वाले भी थे और भारत माता की जय और भोले सोनिहाल के नारों के साथ ही जो आकाश है वो गूंज उठा है, और कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों की आंखों में आक्रोश भी साफ दिखाई दे रहा था कि आर्मी कब तक मनप्रीत के जो हत्यारे हैं उनको सजा दे पाएगी। बेशक आर्मी द्वारा अनंतनाग के आसपास के क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है, लेकिन सभी की आंखें उन दरिंदों के ऊपर लगी हुई हैं कि कब तक इनको सजा दी जा सकेगी। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल अंग्रेज, News 24, मोहाली। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के 3 अधिकारी शहीद हुए हैं। काफी ज्यादा गुस्से में लोग हैं, क्योंकि चाहते हैं कि अब पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान जो है इस तरह की हिमाकत ना करे। हाँ, अपने प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि अब बहुत समय आ गया है कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और हमारे एक जवान के सर के बदले 50 सर पाकिस्तान से लाए जाएं और रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और उनके जो लॉन्चिंग पैड वगैरह सब तमाम निस्तो नाबूद किया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। पाकिस्तान प्रदर्शनकारियों को बेहद ज्यादा गुस्से में है और बता रहे हैं कि अब समय आ गया है कि भारत दुश्मन पाकिस्तान को ऐसा साबित करे कि दोबारा पाकिस्तान जो है हमारी तरफ आने से पहले सोचे क्या। के साथ प्रधानमंत्री 17 सितंबर यानी विश्वकर्मा जयंती को एक बड़ी फ्लैगशिप योजना को लॉन्च करने जा रहे हैं, जिससे 30 लाख कामगारों को मदद मिलेगी। आपको बता दें 17 सितंबर को ही प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और 30 लाख कामगारों के लिए उनकी तरफ से तोहफा दिया जाएगा और केंद्र सरकार ने इसके लिए बड़ी तैयारी की है। प्रधानमंत्री मोदी खुद पीएम विश्वकर्मा स्कीम को
दिल्ली के द्वारका से जो इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है वहां से लॉन्च करेंगे और देश भर में 70 जगहों पर इस कार्यक्रम को एक साथ लॉन्च किया जाएगा। एक तरह से ये बहुत बड़ा फ्लैगशिप योजना है और चूंकि आगे चुनाव है तो इसका चुनावी लाभ मिलने की भी संभावना है, क्योंकि लाभार्थी वर्ग आज की तारीख में धीरे धीरे एक बड़ा वोट बैंक बना है। और इसी चीज को नजर में रखते हुए प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को इस योजना का ऐलान किया था कि वो पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे। 16 अगस्त को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी है और अब अपने जन्मदिन और विश्वकर्मा जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लॉन्च करने जा रहे हैं, जो कि एक बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकती है चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। कैमरामैन नितिन के साथ कुमार गौरव, न्यूज 24 दिल्ली। बिहार के शिक्षा मंत्री ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस के चौपाई की तुलना पोटेशियम साइनाइड से कर दी है। यह पहली बार नहीं है जब शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दिया है। इसके पहले भी वो रामचरितमानस के चौपाई पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बार फिर शिक्षा मंत्री के बयान के बाद बिहार की सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी की माने तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए। यहाँ सवाल यह उठता है कि बार बार चंद्रशेखर रामचरितमानस को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं और बार बार पार्टी सुप्रीमो उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ सवाल यह भी उठता है कि क्या चंद्रशेखर के बयान के पीछे कहीं पार्टी की मौन सहमति तो नहीं है। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24। गुजरात विधानसभा सत्र में पेश हुआ ओबीसी आरक्षण बिल और वहीं गांधीनगर में आयोजित हुआ ओबीसी सम्मेलन। बीजेपी ने दिखाया दोहरा शक्ति प्रदर्शन और वहीं कांग्रेस ने कहा कि जातिगत गणना के आधार पर हो फैसला। गुजरात विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन गुजरात सरकार ने आज स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का विधेयक पेश किया। वहीं दूसरी तरफ गांधीनगर के ही रामकथा मैदान में ओबीसी सम्मेलन कर बीजेपी ने एक तरह से शक्ति प्रदर्शन भी किया, जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी शामिल हुए। साफ है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के पहले ही ओबीसी वोट को हत्याने के लिए बड़ी चाल चल दी है। गौरतलब है कि गुजरात में 52% ओबीसी मतदाता है जो 110 सीटों पर जीत हार तय करते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ओबीसी वोटों को अपने पाले में लाने के लिए गुजरात की दोनों ही प्रमुख पार्टियां कोई कसर नहीं छोड़ रही। कैमरामैन प्रभाग था भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज 24। पश्चिम बंगाल का अब तक का सबसे बड़ा शिक्षा जगत घोटाले की जांच ईडी और सीबीआई कर रही है। इसको लेकर कॉर्पोरेट जगत की एक कंपनी अभिषेक बनर्जी को है। इसको लेकर ईडी के अधिकारी लगातार अभिषेक बनर्जी से पूछताछ कर रहे हैं। तो वही पूरे मामले में अब कोलकाता हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है और अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया है कि करीब 7 दिन में यानी 21 सितंबर के पहले अभिषेक बनर्जी अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा ईडी को सौंपे। और ईडी का जिस तरह से शिकंजा कसते जा रहा था और लगातार अभिषेक बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट में सुरक्षा कॉज पे यहाँ पे अप्लाई कर रहे थे, लेकिन अब कोलकाता हाई कोर्ट ने साफ तौर पे अभिषेक बनर्जी को निर्देश दिया है कि अभिषेक बनर्जी की जो भी प्रॉपर्टी है उसका सारा ब्यौरा यहाँ पे 7 दिनों के भीतर ईडी को सौंपे। तो कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में सबसे बड़े शिक्षा जगत के तह में ईडी जा रही है और लगातार दर परत यहाँ पे तह खुलती जा रही है। और अब अभिषेक बनर्जी 7 दिन के अंदर में अपनी सारी संपत्ति का ब्यौरा ईडी को सौंपेंगे, जिसपे कोलकाता हाईकोर्ट ने साफ तौर पे उन्हें 21 सितंबर का वक्त दे रखा है। कैमरामैन विनोद के साथ मनोज पांडे, न्यूज 24, कोलकाता। केरला के कोझिकोड में नीपा वायरस का एक और नया मामला सामने आया, जिसके बाद से सरकार की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। 29 वर्षीय एक व्यक्ति को इस खतरनाक वायरस से संक्रमित पाया गया है। आपको बता दें कोझिकोड में सामने आए नीपा वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। 9 पंचायतों में कोविड के समय की तरह ही कंटोनमेंट जोन बनाए गए हैं। ये भी खबर आ रही है कि हाई रिस्क कंटोनमेंट लिस्ट में शामिल 15 लोगों के सैंपल भी टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, आरएमएल अस्पताल और निमहंस के एक्सपर्ट की 5 सदस्यों वाली टीम को केरल भेजा गया है। इनका काम राज्य को नीपा से निपटने में मदद करना है। साथ ही साथ आईसीएमआर ने केरल सरकार की गुजारिश पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भेजा है, ताकि खतरनाक नीपा वायरस से लड़ा जा सके। जिस तरीके से लगातार इस केसेस में बढ़ोतरी देखी जा रही है, उसमें राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतित है और लगातार इस पर पैनी नजर रखे हुए है। कैमरा पर्सन हरविंदर ढिल्लन के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज 24।